हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं आपसे टिप्स शेयर करूँगा आपके पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में। फुलब्राइट एप्लीकेशन में जीआरई स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है पर्सनल स्टेटमेंट, एंड इट्स वन ऑफ द की कंपोनेंट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ फुलब्राइट स्कॉलरशिप। पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आपकी एक पर्सनल स्टोरी है जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने आप को सेल करने के लिए इन द जॉब मार्केट। पर्सनल स्टेटमेंट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग एज योर CVs, लेकिन ये एक स्टोरी है जिसकी फॉर्म में आप अपने आप को, अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपनी एजुकेशन को और अपनी एक्टिविटीज़ को जो आपके पास्ट में आपने की हैं उनको आप एक्सप्लेन करते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में एक कनेक्शन ये होता है कि आपने स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में जो अपने रिसर्च इंटरेस्ट को या ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया होता है उनको अटेन करने के लिए जो कैपेबिलिटीज़ या जो एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं वो आप डिफ़ाइन करते हैं अपने पर्सनल स्टेटमेंट में। क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन के व्हाई दे शुड सिलेक्ट यू इज़ दिस दैट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू हैव एंड योर एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट कैन हेल्प यू टू अचीव दोज गोल्स। फुलब्राइट एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आप अपनी CV सबमिट करते हैं और आपकी CV में जो कुछ है वो अब आपने एक्सप्लेन करना है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में। आप कहाँ से आपका ताल्लुक है, आपने एजुकेशन कैसे हासिल की, किन किन इदारों से हासिल की, आपकी एजुकेशनल लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कोई ऐसे इंसिडेंट्स आए कि जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया तो आपने एक ख़ास जो रिसर्च टॉपिक है उसको चूज़ किया और आप उसमें एक फर्दर जो है एडवांस रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं अमेरिका में। ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल स्टेटमेंट में एक अच्छे तरीके से एक स्टोरी के फॉर्म में लिखना होती हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे खेत हैं, गांव है, मैं गांव में पैदा हुआ, यहीं से बेसिक एजुकेशन हासिल की, बाद में अच्छे एजुकेशन के लिए मैं और सिटीज़ में चला गया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में चले गए, फिर मेरा मजमून एग्रीकल्चर हुआ तो मैंने अमेरिका में रिसर्च भी जो थी वो एग्रीकल्चर पे ही कंडक्ट की। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है, मेरे पास एक बनी बनाई स्टोरी थी, मैंने ऑलरेडी चीज़ों को ऑब्जर्व किया हुआ था और मैं चाहता था कि कुछ ऐसी रिसर्च की जाए जिससे कि फार्मर्स को भी फ़ायदा हो, उनकी भी जो है वो कुछ सेविंग्स हों वगैरह वगैरह। तो पर्सनल स्टेटमेंट का मकसद भी यही होता है कि आप बताएं कि कुछ ऐसे आपको कैसे, आप किस चीज़ से मुतासर हुए, कोई आपकी अपनी पर्सनल स्टोरी हो कि क्यों आप ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट करना चाह रहे हैं और उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपके पास आया कि कुछ कैपेबिलिटीज़ ऑलरेडी हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसी स्टोरी आप ऐड करें कि आप कुछ काम करना चाहते थे, आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी, स्किल्स नहीं थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गेन दो स्किल्स, तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव जो है वो पॉइंट आपके लिए होगा उसमें लिखने के लिए। उसके बाद आप उसमें ऐड कर दें कि आपका अपना प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे। डेफिनेटली आप लिखेंगे कि आप वापस आएंगे, आप उस चीज़ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ आपने अमेरिका में सीखी वही चीज़ आप यहाँ पे आके कंडक्ट करना चाहेंगे वगैरह वगैरह। बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स, आपकी जो स्टोरी है वो वेल रिटन हो, एरर फ्री हो। कोशिश करें कि अर्ली उस स्टोरी को लिखना शुरू करें और जब आपके पास सफिशेंट अमाउंट हो आप अपने दोस्तों को, कॉलीग्स को, अपने प्रोफेसर्स को, फैमिली मेम्बर्स को या कोई और लोग हैं आपके जाने वाले जिन्हें आप समझते हैं कि वो एक अच्छा फीडबैक आपको दे सकते हैं उनको दिखाएं, फीडबैक लें। ज़्यादा मटेरियल ना लिखें, 500 to 600 वर्ड्स एक अच्छी स्टोरी जो है वो आप एक लिख सकते हैं। वंस अगेन मैं मेंशन करता चलूं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि अगर कोई आपसे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट शेयर करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जस्ट उसको कॉपी पेस्ट कर लें, नेवर प्लेजराइज इट, क्योंकि USEFP या अमेरिका की जो पॉलिसी है प्लेजरिज्म के बारे में वो बहुत ज़्यादा सख्त है। एट एनी पॉइंट अगर उनको पता चल गया कि आपने कुछ प्लेजराइज किया हुआ है दे कैन कैंसिल योर स्टेटस। सो फॉलो दीज टिप्स। और इस वीडियो के साथ मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो लिंक है मेरी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में, और क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आप खुद से भी आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसी स्टोरी या कैसा ऐसे आपको लिखना है। इसके अलावा अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो डू कॉमेंट बिलो एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। गुड लक।